हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहु। गाड़ी का फ्यूल पंप जो हम पार्ट वन में मैंने दिखाया था कैसे निकाला जाता है और रिपेयर कैसे किया जाता है, अब मैं बताऊंगा आपको रिपेयर करके गाड़ी में वापसी कैसे लगाया जाता है। सो गाइस, ये सामने फ्यूल पंप नज़र आ रहा है और इसका फिल्टर है, ये फ्यूल फिल्टर, ये नया रिप्लेस करना है इसमें फ्यूल पंप में, एडजस्ट करके फिर लगाते हैं गाड़ी में। आपको दिखाते हैं कि वापसी लगाया कैसे जाता है, किया जाता है ये बताना है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा ज़रूरी, और अपनी कमेंट्स में ज़रूर ये जिक्र कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये फ्यूल फिल्टर एडजस्ट हो रहा है फ्यूल पंप में, ये फ्यूल पाइप है, इस पाइप से फ्यूल जो है फिल्टर होके आगे इंजन में मुंतकिल होता है। ये इसके अंदर की तरफ है ना, ये थोड़ा हार्ड होता है पाइप, इसको नरम करना पड़ेगा। ये हीट गन से इसको अभी हम हीट गन से आप करेंगे इसको, थोड़ा नरम हो जाएगा, ये नरम होगा उसके बाद चढ़ेगी, एडजस्ट होगा इसके ऊपर चढ़ेगा। गाइस, आप बने रहे हैं वीडियो पे, ये अभी नहीं होगा, अभी मज़ीद इसको नरम करना पड़ेगा। थोड़ा हीट करने से ये है कि ये थोड़ा सा नरम हो जाता है और आराम से एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल लगा के क्योंकि ये फिट भी कभी होगा। ये देखिए, ये अभी पंप, ये जो पाइप है फ्यूल पाइप अब एडजस्ट हो गई है। अभी हम इसके क्लिप वगैरह सेट कर देंगे यहाँ पे। क्योंकि इसकी मोटर और फिल्टर ये दोनों ख़राब थे, ये हमने रिप्लेस कर लिया। अब ये तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया है लगाने के लिए। अभी अब गाड़ी में सेट करना है, आपको दिखाते हैं गाड़ी में एडजस्ट कैसे होगा। गाड़ी के सीट के नीचे इसकी जगह है, इसके अंदर एडजस्ट होता है। ये रिंग इसके ऊपर फिट होगी, दो चार नट है, नट बिल्कुल मुकम्मल लगा के आपको बताते हैं। ये है नट, अमूमन गाड़ी जब भी मिसिंग करती हूँ और गाड़ी को न्यूट्रल करके रेस दें और आगे रेस वाली जो सुई है वो जब तेज़ी से घूमती है तो घूमते हुए अगर बबलिंग करती हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्यूल फिल्टर जो है ना वो ख़राब है या उसके अंदर कचरा वगैरह आया हुआ है।
ये निकाल के फिर या तो फिल्टर चेंज करना पड़ता है, नहीं तो मोटर समेत पूरा चेंज करना पड़ता है। गुज़श्ता वीडियो जो थी वो पार्ट वन थी और ये पार्ट टू है। पहली वीडियो पे आपको हमने दिखाया था ये निकाला कैसे जाता है, और अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं गाड़ी में दूसरा पार्ट वीडियो का। और ये देखिए ये फिट हो गया, इसका पाइप जो टैंकी से फ्यूल आता है इस फ्यूल पंप में वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। ये क्लिप इसके ऊपर चलाना है, क्लिप की वजह से ये बिल्कुल मज़बूत हो जाएगा। ये दो क्लिप्स है, एक से पेट्रोल आता है और दूसरे से इंजन की तरफ जाता है फिल्टर होकर। हो गया, ये कनेक्ट कैसे करेंगे आप इसके साथ? अब ये आखिरी क्लिप है बड़ा, और ये ढक्कन फिट हो जाएगा इसके ऊपर। अब ये सेट हो गया है, अभी हम यहाँ से चेक करेंगे इसमें कौन सा पेट्रोल पंप, ये पाइप जो इधर आ रहा है ना उसका, जहाँ से फिल्टर होके पेट्रोल आता है ठीक। आगे इंजन को दे देना इंजेक्टर, इशारे से बताएं ये कौन सा ये पाइप है इसका। अच्छा सही, अभी ये फ्यूल पंप जो है ना वो फिट कर दिया सारा सिस्टम करके, और ये बिल्कुल रेडी है, रेडी हालत में है। अभी इसके ऊपर सीट रखनी पड़ेगी, रखनी है, और ये आगे जो ये जो नज़र आ रहा है ये पाइप है इसकी पेट्रोल, जो फिल्टर पंप से फिल्टर होके पेट्रोल आगे आगे आके इंजन को, ये इंजन को पेट्रोल देता है जिससे गाड़ी चलती है। अभी गाड़ी तकरीबन रेडी होने वाली है, अभी हम सीट फिट करने लगे इसके ऊपर। कोई फ्यूल पंप जो होता है वो सीट के नीचे होता है, ये सीट तैयार हो गई है। और क्या हाल है? खैरियत से ठीक है। क्या नाम है आपका? किधर के रहने वाले? अच्छा अच्छा। सो गाइस ये मेरी गाड़ी तैयार हो गई है, अभी चलानी है बस। और वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर अपनी राय लिखिएगा कमेंट्स में, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।